हेलो दोस्तों, बालाजी लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेन होल के रेनफोर्समेंट की डिटेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में होता है मेन होल, चाहे वो हम सीवेज टैंक में अपना घर पे जब कभी भी घर बनवाते हैं तो दोस्तों इस सीवेज टैंक में मेन होल छोड़ते हैं, जिस वो रेक्टेंगल शेप में होता है या स्क्वायर में होता है, ये सर्कुलर शेप का है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम बात करते हैं। इसको मैंने अलग पेज पे ड्रॉ कर रखा है आप लोगों को डिटेल में समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इसके रिइंफोर्समेंट होल्ड। अगर मान लीजिए 600 mm का मेन होल हमने छोड़ रखा है, तो उसको कैसे हम ये 600 mm सर्कुलर शेप में ऐसे कैसे होल्ड करेंगे, तो इसका जो रिइंफोर्स। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इसके मेन बार और इंक्लाइंड सपोर्टिव बार के बारे में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम मेन बार की, तो मेन बार जो हमारे ब्लू कलर से ग्रीन कलर सॉरी ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, तो ये मेन बार है हमारे मेन होल को होल्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि दो बार, ठीक है, एक 10 mm डाया टॉप एंड बॉटम में, यानी कि स्लैब के टॉप सरफेस में और बॉटम सरफेस में हम दो बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि जो स्लैब के बार होंगे वो तो अलग ही, बट हम दो बार एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे, टॉप टॉप एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा एंड बॉटम एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी लेंथ की बात करते हैं, तो इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो एक्स डायरेक्शन से हमारे बार आए हुए हैं, वो जो डायमीटर हमारा है वहां से एक्स्ट्रा, यानी कि जैसे कि इतना डायमीटर है हमारा 600 mm। ठीक है दोस्तों, तो इससे ज्यादा कितना बार हम स्लैब में लैप कराएं। ठीक है, तो 330 mm इधर और 330 mm इधर लैप कराएंगे, तो यानी कि जो टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार हो जाएंगे उनकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 600 + 330 + 330। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1260 mm। यानी कि ये जो जितने ग्रीन कलर से बार्स हैं हमारे एक्स्ट्रा बार टॉप और बॉटम साइड आप स्लैब के, तो इसमें क्या है 1260 mm के दो बार ऊपर और दो बार नीचे हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड बार हम कितना, एक बार 10 mm सॉरी 10 mm का 10 mm डाया का एक बार टॉप स्लैब के टॉप सरफेस पे और स्लैब के बॉटम सरफेस पे हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि टॉप रेनफोर्समेंट में और बॉटम रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हम बात करते हैं, ये जो ब्लैक बार है, एक ब्लैक कलर से मैंने पिन स्केच किया हुआ है, ये भी हमें एक बार लगाना है जो 10 mm डाया का होगा, और इसे हम स्लैब बार भी बोल सकते हैं, यानी कि जो स्लैब से जो भी हमारा स्लैब का बार होगा वो यहाँ तक हम लाके उसे कट करा देंगे, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि 100 mm कम। अगर हम इसे अलग से प्रोवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 mm दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 50-50, तो ये 50 mm और ये 50 mm, तो यानी कि 600 से 100 100 चला गया, तो कितना बचता है हमारा। तो दोस्तों, अगर हम 100 और 100 सॉरी यानी कि इसके सेंटर से 100 इधर माइनस कर देंगे और 100 इधर माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 100 100 माइनस कर देंगे तो इसका डाया कितना, 600 है, तो इधर कितना बचेगा हमारा, ये 300 था, 100 हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना पोर्शन बच रहा है हमारा, 200। यानी कि जो लेंथ आप बार कितनी हो जाएगी इसकी, 200 + 330। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कितना आएगा, 530 mm। तो ये कितने बार हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बार हैं हमारे, तो आठों बार हम एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो हम स्लैब को ये जो यहाँ से जहाँ से 330 mm है, यहाँ से 200 mm एक्स्ट्रा बार को बढ़ा करके ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मेन होल की डिजाइनिंग जो हमारे ड्राइंग पे थी, उसे मैंने समझाया कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कराएंगे साइट पे। ठीक है दोस्तों।